तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है, एक रॉड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो जो रॉड यूज हो रहा है उसकी लेंथ दिया हुआ है, तो रॉड लेंथ 20 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। इंड, एक इंड से पिवोटेड है और दूसरा इंड हॉरिजेंटल प्लेन में है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कुछ घूम रहा है, ठीक है ना। ये ओमेगा से कुछ घूम रहा और इसी की कैलकुलेशन हमें करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। द बॉल ऑफ मास एम सस्पेंडेड ऑल्सो हैव लेंथ। बॉल जो है, ये जो, इसको मैं कैपिटल एल कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो ये कैपिटल एल ले लेता हूँ। तो यहाँ से कैपिटल एल ये लेंथ है और ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल है। तो बॉल की जो है लेंथ, जो स्ट्रिंग हो जाएगी वो भी 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम अदर एंड ऑफ द रॉड, इफ द स्ट्रिंग मेक एंगल थीटा विद वर्टिकल, दिस एंगल इज बेसिकली द थीटा विद द वर्टिकल, एंड दिस थीटा इज ऑलरेडी गिवेन दैट थीटा इज 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द जी की वैल्यू, वी नीड टू टेक द जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ दिस रॉड, दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, सो व्हाट इज द ओमेगा। अब यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन होगी, दैट इज बेसिकली द टेंशन इन स्ट्रिंग। अब यहाँ से ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली वर्टिकल वाली लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कुछ थीटा ही होगा, तो टेंशन, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा टी कॉस थीटा, और ये टेंशन, द वन कंपोनेंट ऑफ टेंशन विल कम हियर, दैट इज टी कॉस थीटा, ये जो है वो टी कॉस थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा सेंटर की तरफ, जो ये सेंटर है इस टाइप के सर्कल में घूमेगा, और जो होगा टी साइन थीटा, और इसकी जो रेडियस है वो ये होगी, और रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ये कैपिटल एल है। हाउ मच दिस लेंथ, यहाँ पे ए स्ट्रिंग है और ये बॉब है, दिस इज द बॉब एंड दिस लेंथ इज स्मॉल एल, दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज थीटा एंड दिस विल बी कम आउट एल साइन थीटा, सो रेडियस, रेडियस आर विल बी इक्वल टू कैपिटल एल प्लस एल साइन थीटा। हाउ मच दिस, कैपिटल एल इज ऑलरेडी 0.2 और प्लस एल इज ऑल्सो 0.2 एंड साइन 30, दैट इज 1/2। हाउ मच साइन 30, यहाँ से वी कैन पुट 0.2 प्लस 0.2 और साइन 30, तो फाइनली वी गेट 2 टाइम, दैट इज 0.3 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, 0.3 मीटर। दो रेडियस, दिस इज द लेंथ, दिस इज द रेडियस इन विच सर्कल इज, बॉब इज मूविंग, दिस इज द रेडियस, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कोई मूव कर रहा होगा, ठीक है। चलो लेट अस कैलकुलेट कि यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। वी आर, हाँ, जस्ट हम ग्राउंड से देख रहे हैं बच्चों, तो ग्राउंड से अगर देखेंगे तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है वो टी साइन थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड टी कॉस थीटा विल बैलेंस वेट एम जी। तो टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाला जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू जी टैन थीटा और डिवाइडेड बाई जी टैन थीटा आर अंडर रूट, दिस इज द फाइनल ओमेगा ऑफ दिस बॉब, ठीक है ना। ये इतने बॉब, इतनी ओमेगा से घूम रहा होगा, तो ये, अब अगर मैं सारी वैल्यू रखता हूँ इसमें, पुट द वैल्यूज, ठीक है, जी इज इक्वल टू, जी इज इक्वल टू 10 ले लेना है और 10 30, 10 30 वी पुट 10 30 और आर इज इक्वल टू 0.3 मीटर, तो ये यहाँ से फाइनली जो हमें मिल के आता है तो ये आ जाएगा 10 और 10 30 रूट 3 और रूट 3 और मल्टीप्लाई करते हैं 0.3, तो ये
finally after calculating, omega will come 4.4 radian per second. This is the final solution of this problem. I hope कि आपको clear हो गया होगा. Thanks for watching this video. मेरे साथ बने रहो प्यारे बच्चों, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, motivated रहो, मेरे channel को like करो और support करो. आपकी support और प्यार की हमें ज़रूरत है और उसका हम सम्मान करते हैं. Thanks for watching this video.